कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली में जानलेवा हमले की एफआईआर ना लिखी जाने पर मां बेटे ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया और जब मां बेटे पेट्रोल डाल रहे थे तो थाने के इंस्पेक्टर उन्हें बचाने की जगह और समझाने की जगह पीड़िता का गिरेवान पकड़कर उसे धमका रहे थे। वहीं मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने एक भाजपा नेता सहित 7 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लाख प्रयास कर रहे हों, लेकिन पुलिस व प्रशासन में पीड़ितों की सुनवाई न होने के चलते पीड़ित दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं। आखिर यूपी के थाने में पीड़ितों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जो पीड़ितों को अब थाने में जाकर आत्मदाह करने का प्रयास करने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। हाल ही में अलीगढ़ के खैर थाने में एक मां बेटे के आत्मदाह के प्रयास करने के दौरान महिला की जलकर मौत हो गई थी। वो मामला ठंडा नहीं हुआ था कि कासगंज जिले की कोतवाली पटियाली में भी मां बेटे कार्यवाही ना होने से आहत होकर आत्मदाह करने का प्रयास करने पहुंच गए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।